अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस मुठभेड़ के दौरान 3 अभियुक्तगण गिरफ्तार। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद रामपुर श्री शगुन गौतम द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक रामपुर श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में दिनांक 23 सितम्बर 2020 को SOG सर्विलांस व थाना सिविल लाइन रामपुर की संयुक्त पुलिस टीम वाहन गिरोह को वाहन चोर होने की सूचना पर रजा टेक्सटाइल के पीछे पड़े खंडर के पास पहुंचे तो उक्त खंडर में खड़ी वेगनार कार में से 3 व्यक्ति बाहर निकले और पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर करने लगे। पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायर करते हुए वह अपने आप को बचाते बचाते आवश्यक बल प्रयोग कर घेर घोट कर तीनों अभियुक्त गण को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से चोरी की 1 कार वैगनार, चोरी की 3 मोटरसाइकिलें, 3 मास्टर चाबी, 4 फर्जी नंबर प्लेटें, 3 अद नजायज तमंचे, 3 खोखा कारतूस व 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए। जनपद में वाहन चोर गिरोह का गैंग पकड़ा गया है, क्या है पूरा मामला सर? थाना सिविल लाइन्स पुलिस और हमारी SOG और सर्विलांस की टीम को आज एक सफलता मिली है। रजा टेक्सटाइल्स के पीछे एक अंतर जनपदीय वाहन चोरों का गैंग है, जिससे उनकी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 3 बदमाश पकड़े गए हैं और इनके कब्जे से 1 कार, 3 मोटरसाइकिल, 3 अदद नारायण तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। ये बरामद कार वैगनार है और ये कार और 3 मोटरसाइकिलें सभी चारों वाहन चोरी के हैं। इनका पता लगाया जा रहा है कि वाहन कहाँ से चोरी किए गए हैं, विवेचना जारी है। अतिशीघ्र इस पूरे मामले की साक्ष्यों सहित रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित कर दी जाएगी।